वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाका। इतना भी महे नौ पे नाए चरख कोहन फूल। सुभान अल्लाह, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। दरअसल स्टेज थोड़ा सा जो है वो उलमा की ज्यादा आमद की वजह से छोटा पड़ गया है, इसलिए सोफा रखने की गुंजाइश नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने उलमा किराम के साथ बैठ जाऊं ताकि इनकी बरकतें मुझे नसीब हो जाए। एक बार सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्नहिल करीम सल्लल्लाहु तआला व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लम सलातुन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। आज की ये महफिल ताजदारे करबला इमामुल अइमा शहजादे गुलगुं कबाब इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दही वाले सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकात पजीर है। बड़ी खूबसूरत सी महफिल आपने सजाई है इमाम आली मकाम की याद में। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। उसी मुनासिबत से कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा और एक हदीस मुबारक की तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी ख्वातीन व हजरात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। कभी आपने गौर फरमाया, कभी गौर किया कि आपने बार बार अपने उलमा से, अपने खुतबा से, अपने वाइजीन से इस बात को सुना कि हमारे यहाँ अहले बैत की महब्बत, अहले सुन्नत के यहाँ अहले बैत की मोहब्बत आईने ईमान है और जरूरियात ईमान में से है। यानी जब तक आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत न होगी उस वक्त तक आप मोमिन नहीं हो सकते। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि अगर आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो आप काबतुल्ला शरीफ में भी अगर मर जाएं तो भी आपकी जन्नत का कोई ठिकाना नहीं। मोहब्बत अहले बैत के बगैर गुजारा नहीं। इसीलिए आप सिद्दीक अकबर से लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बाद अलंबिया भी तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर हुजूर मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम तक हमारे कायदीन की, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी का जायजा ले तो आपको पता चलेगा हर एक के दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। सिद्दीक अकबर का दिल देखें, फारूक आजम की जिंदगी देखें, उस्मान गनी की जिंदगी देखें, अशरे मुबशरा की जिंदगी देखें, इसी तरह अबू सईद खुदरी की जिंदगी देखें, खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी देखें, हजरत जाबिर की जिंदगी देखें, हजरत अबू हुरैरा की जिंदगी देखें, इसी तरह से दौरे ताबईन फिर देखें, सईद इब्ने मुसय्यिब को देखें, उवैसे करनी को देखें, फिर अइमा मुस्तहदीन में इमाम आजम हो, इमाम शाफई हो, इमाम अहमद इब्ने हंबल हो, इमाम मालिक हो, ये हमारे तीन इमाम तो बल्कि इनको मारा ही गया है अहले बैत की मोहब्बत के अंदर। इमाम आजम को जहर दिया गया अहले बैत की मोहब्बत की वजह से, इमाम मालिक के मोंडे तोड़ दिए गए अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम के दीवानों इमाम मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफई को राफजी कहा गया, अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। आपने फरमाया जिसको जद्दुल मुमतार में मेरे इमाम ने नकल फरमाया, इमाम शाफई कहते हैं आलुन नबी जरीअती वहुम इलैही वसीलती अर्जु बिहिम आता गदन बियदिल यमीन सहीफती। इमाम शाफई कहते हैं आले नबी ही मेरा जरिया है, अल्लाह तक पहुंचने का जरिया कोई अगर मेरा है तो वो रसूल अल्लाह की अहले बैत है, मेरा कोई वसीला है तो वो रसूल अल्लाह की अहले बैत है। और आप कहते हैं कयामत के दिन मेरे सीधे हाथ में अगर नामे आमाल दिया जाएगा तो मेरे किसी अमल की वजह से नहीं बल्कि अहले बैत की मोहब्बत की वजह से दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप गोया के जिस वली की जिंदगी को उठा करके देखें आपको पता चल रहा है अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की जिंदगी में अहले बैत की मोहब्बत। मैं बतौर सबूत एक एक दो दो बातें पढ़ता हूँ, लेकिन आज मेरा सवाल ये होगा पूरी महफिल से और पूरे मजमे से सवाल ये होगा कि आखिर मोहब्बत अहले बैत उम्मत के लिए लाजिम क्यों की गई, मोहब्बत क्यों जरूरी करार दी गई, अहले बैत की मोहब्बत जरूरी क्यों है। मेरे आका रे सलाम के प्यारे दीवानों आज ये देखिए सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, अहले बैत से कितना प्यार करते हैं। आप फरमाते हैं उरकबु मुहम्मदन फी अहली बैती के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह हम एहतराम करते ताजीम करते हैं बिल्कुल उसी तरह रसूलुल्लाह की अहले बैत की ताजीम की जाए। हुजूर का ख्याल करो अहले बैत के मामले में। इसीलिए देखें एक मर्तबा सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इमाम हसन को अपने कंधे पे बिठा के, सिद्दीक अकबर का हसन मुस्तफा से क्या खूनी रिश्ता था, कोई खूनी रिश्ता नहीं था, ना चचा लगते थे खूनी तौर पर, ना ताया लगते थे खूनी तौर पर, ना दादा लगते थे खूनी तौर पर, ना नाना लगते थे खूनी तौर पर। हजरत इमाम हसन का खूनी शजरा अलग है, सिद्दीक अकबर का खूनी शजरा अलग है, लेकिन अल्लाह अकबर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक, ये अबू बकर सिद्दीक कौन है मेरी कौम के जवानों आपको अंदाजा होना चाहिए। जिस अल्लाह अकबर किसी की सहाबियत मुहक्किकीन की तहकीक से साबित है, किसी की सहाबियत सहाबा के अकवाल से साबित है, किसी की सहाबियत हदीस मुस्तफा से साबित है, एक तन्हा रसूलुल्लाह का सहाबी ऐसा है कि जिसकी सहाबियत कुरान मुकद्दस से साबित है। कुरान ने जिसको सहाबी कहा है वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक की। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने जरिया शरीफ। सिद्दीक अकबर जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी जाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, वो इमाम हसन को अपने कंधे पे लेकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में घूमते हैं, अपने कंधों पे बिठा के। कोई पूछने वाला पूछता है अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं, तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे करते देखा इसीलिए मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। ये सिद्दीक अकबर का अंदाज। उसके बाद सैयदना फारूक आजम को देखें, अमीरुल मोमिनीन, गैज़ुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, इमाम हुसैन और इमाम हसन की छोटी बहन सैयदा उम्मे कुलसूम के साथ आप निकाह का पैगाम भेजते हैं और फरमाते हैं कि इनके साथ निकाह करना है, छोटी उम्र की वजह से उज्र किया जाता है। तो उमर इब्ने खत्ताब मिंबर पे तशरीफ लाते हैं और मिंबर पर आने के बाद फरमाते हैं कि मैं किसी ख्वाहिश की वजह से उम्मे कुलसूम के साथ निकाह नहीं कर रहा हूं, बल्कि उम्मे कुलसूम के साथ निकाह करने का मकसद ये है कि फातिमतुज़्ज़हरा का दामाद बन जाऊं, ताकि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया कि कयामत
दिन सबके हसब व नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे हसब व नसब के, तो फातिमा के रिश्ते से मैं भी रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लेना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मे कुलसूम को निकाह का पैगाम दिया गया। उसके बाद दूसरी बात, एक मरतबा हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब किसी अहम मीटिंग में मसरूफ है और आपके साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर इंतजार करते हैं और जब इजाजत तलब करते हैं उस महफिल में आने के लिए तो इजाजत नहीं मिलती। वहीं पर इमाम हुसैन भी मौजूद थे। इमाम हुसैन ने सोचा कि मेरे मैं जिससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ मुझसे बहुत ज्यादा अजीज, मुझसे बहुत ज्यादा महबूब, तो बाप को औलाद ही होती है। जब बेटे को इजाजत ना हुई, जब बेटे को इजाजत ना हुई महफिल में आने की, तो मुझे कैसे इजाजत हो सकती है। इमाम हुसैन महफिल में आए बगैर वहीं से वापस तशरीफ ले गए। जब वापस गए कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की मुलाकात जब इमाम आली मकाम से हुई तो फरमाया शहजादे हुसैन बहुत दिन हो गए आप मुलाकात के लिए आए नहीं, आप मिलते नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन मिलने के लिए आया था लेकिन आपको मैंने देखा मसरूफ, आपने अपने बेटे को इजाजत न दी, बेटा इंतजार में खड़ा था, तो मैंने सोचा जहां बेटा मुंतजिर हो और बेटे को इजाजत न मिले वहां हुसैन को कैसे इजाजत मिलेगी। इसलिए कि औलाद जो है वो बाप को औरों से ज्यादा महबूब होती है। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया हुसैन वो अब्दुल्ला और हैं और तुम और हो, तुम इब्ने रसूल हो और तुम ये सोचते हो कि अब्दुल्ला को इजाजत न मिली तो आपको कैसे इजाजत मिल सकती है। आपने अपना अमामा शरीफ उतार करके अपने बाल पकड़ करके फरमाया वल्लाह हमारे सरों में जो बाल है यानी जो इज्जतें मिली है वो भी तुम अहले बैत के सदके में मिली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, सरजमीने टडिया शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान। हालांकि सहाबा इकराम में सिद्दीक अकबर के बाद सबसे बुलंद मर्तबा फारूक आजम का है। इसी तरह आपने सुना होगा हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की बात कि हजरत अबू हुरैरा इमाम आली मकाम से एक मुलाकात में अपने अमामे के शिमले से हजरत इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ करते हैं और आपके जूतियां सीधी करते हैं। कौन? हजरत अबू हुरैरा। उम्र में बड़ा फर्क है। अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, इमाम आली मकाम की दाढ़ी काली है। ये सारी चीजें कभी आप महसूस करते हैं, कभी सोचा आपने कि ये लोगों ने मोहब्बत की और हम पर कयामत तक अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। इमाम शाफई कहते हैं जिसको जन्नत मुख्तार में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा या अहल البيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله يكفيكم من عظيم الفخر انكم من لم يصلي عليكم لا صلاه له کہ اے رسول اللہ کی اہل بیت تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قران میں ہم پہ فرض کیا ہے یعنی قران میں فرض کر دی گئی ہے محبت اہل بیت اور فرمایا کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں होती जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जगह जगह अहले बैत का जिक्र किया। खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। फरमाया जब तक दोनों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे ये फर्ज करके गए, अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे लाजिम करके गए? अगर आप बारीक बीनी के साथ देखेंगे तो अब असल जो गुफ्तगु आपको समझने की कोशिश करना होगा। मैं अपने सब भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी मोहब्बत
की कदर करता हूँ, लेकिन अगर आप चुप रहकर खामोश रहकर आने वाली गुफ्तगू सुनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अब आप तवज्जो करना, माओ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो यार, बाप चाहता है कि औलाद से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी औलाद से दूसरे ही मोहब्बत करे, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की मोहब्बत को सिर्फ औलाद होने की वजह से लाजिम नहीं करार दिया, बल्कि मेरे आका ने उसको इबादत के दर्जे में रखा, अल्लाह के रसूल ने उसको इबादत के दर्जे में रखा, बल्कि यहाँ तक फरमाया, तिर्मिजी शरीफ की हदीस से यहाँ तक बात साबित होती है कि जिन लोगों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल जन्नत के जिस दर्जे में होंगे, रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसी दर्जे में, सुभान अल्लाह, जिस दर्जे में रसूलुल्लाह है उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। ये मोहब्बत अहले बैत का इतना सिला क्यों? इब्ने मसूद का कौल है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, के अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में शिफा के हवाले से लिखते हैं कि कोई अहले बैत को आता देखकर, हदीस पाक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई मेरी औलाद को आता देखकर खड़ा ना हो तो अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। यानी अहले बैत के मामले में इस कदर ताकीद है, वो आए तो खड़े हो जाओ, अगर नहीं खड़े हुए तो तुम लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खलीफा और शागिर्द है, वो हदीस पाक अपनी किताब तफसीर में लिखते हैं कि तुम्हारे दरमियान कोई भी आए, तुम्हारी मर्जी खड़े रहो या बैठे रहो, लेकिन जब रसूलुल्लाह की औलाद आया करे तो तुम उठ करके खड़े हो जाया करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनको पीछे करके तुम आगे ना जाना, उनको पीछे करके तुम आगे ना जाना। जो मेरी औलाद को, मेरी अहले बैत को पीछे करके आगे जाएगा, कयामत के दिन जब वो आएगा तो उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है, और उसका चेहरा सियाह कर दिया जाएगा। हर जगह पे अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। आपसे पूछना चाहता हूँ, हत्ता के जब आयत दुरूद नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, जब ये आयत दुरूद नाजिल हुई तो सहाबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह हम दुरूद कैसे पढ़े, तो मेरे आका ने फरमाया मुझ पर मुजर्रद दुरूद न पढ़ा करो, मुझ पर अकेला दुरूद न पढ़ा करो। कहा फिर या रसूल अल्लाह कैसे पढ़े, तो सरकार फरमाते हैं ये न कहो اللهم صل على محمد, ये न कहो, बल्कि यूं कहो اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, यानी जब मुझ पर दुरूद पढ़ना तो अकेले मत पढ़ना, सिर्फ मुझ पे मत पढ़ना, बल्कि मेरी आले बैत के साथ मिला के मुझ पे दुरूद पढ़ना, मेरी आल के साथ मुझ पे दुरूद पढ़ना। अल्लाह हू अकबर। आप उठा करके देखें अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, हत्ता के ये आयत मुबारका जब नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि उनको रोका जाएगा और सवाल किया जाएगा, तो इब्न हजर अस्कलानी अपनी की इब्न हजर मक्की अपनी किताब में लिखते हैं वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, उनको रोक करके पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा। इब्न हजर उसकी तफसीर करते हुए बयान करते हैं अल्लाह हू अकबर, कि जब नमाज रोजे हज ज़कात के सारे हिसाब हो जाएंगे तो फिर रोका जाएगा जन्नत में जाने से पहले कि तुमने रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत की थी, उनका हक अदा किया था या नहीं किया था, ये सवाल आखिरी में तुम सबसे किया जाएगा। आखिर मोहब्बत अहले बैत इतना अहम क्यों? तो मुझे जो बात समझ में आई वो ये, अपने बुजुर्गों के अकवाल से, उनकी तालीमात से, कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के नक्शे कदम पे चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अहले बैत को हर जगह जो रखा, सिर्फ औलाद होने की वजह से नहीं रखा, क्योंकि रसूलुल्लाह के इल्म में ये बात है, हुजूर ये जानते हैं कि कोई कितना भी बिगड़ेगा लेकिन मेरी अहले बैत सिरात मुस्तकीम पर कायम रहेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निगाहें देख रही थी, सन 60 हिजरी का तूफान आएगा और 60 हिजरी के तूफान में दीन बदला जाएगा, सुन्नत रसूल बदली जाएगी, अदल व इंसाफ का कानून बदला जाएगा, महरमात के साथ
निकाह की तरकीबें बनेगी, सूद आम होगा, शराब एलानिया पी जाएगी, उस वक्त कुछ लोग मसलहत के तहत रुख्सत पर अमल करते हुए घरों में बैठे होंगे। हालांकि उनका घरों में बैठना कोई जुर्म नहीं होगा क्योंकि शरीयत इसकी इजाजत रुख्सत की देती है, लेकिन जब सब बैठेंगे उस वक्त मेरे दीन के लिए जो उठेगा वो कोई और नहीं होगा, वो मेरे ही खानदान से, मेरी अहले बैत से होगा। उसके बाद आप देखें जब हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान बना होगा उस वक्त 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला किसी और खानदान से नहीं होगा, वो खानदान अहले बैत से होगा। जब दीन मुर्दा हो रहा होगा तो दीन को जिंदा करने वाला बगदाद में जो उठ के खड़ा होगा वो किसी और के खानदान का नहीं होगा, वो भी अहले बैत के खानदान का, जिसे दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के नाम से याद करेगी। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, 14 साल की उम्र में अल्लाह के दीन के लिए शहीद होने वाला किसी और के खानदान का नहीं, मसूद सालारे गाजी अहले बैत के खानदान का होगा। इसी तरीके से कुफ्रिस्तान के अंदर साबिरे कलियर की शक्ल में दीन का परचम लहराने वाला अहले बैत के खानदान से होगा। दिल्ली में इंकलाब पैदा करने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया खानदान अहले बैत से होगा। अल्लाह अकबर, लाहौर की सरजमीन पर खुदा के दीन का मुहाफिज बन के खड़ा होने वाला दादा अली हुजवेरी अहले बैत के खानदान से होगा। इसी तरह कयामत के करीब कोई खानदान दीन के लिए उठे ना उठे, आखिरी में जो मोहम्मद महदी की शक्ल में अल्लाह अकबर दीन का हिमायती बन करके उठेगा अकेला तने तनहा, वो भी खानदान नबूवत का चश्मो चराग खानदान अहले बैत से होगा। तो अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत की तालीम इसलिए दी गई कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के तरीके पर, उसी के नक्शे कदम पर चलता है। अब मुसलमानों, हमसे कहा गया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब जब दिल में मोहब्बत किसी की भी पैदा हो, किसी की भी मोहब्बत किसी की भी पैदा होती है तो आदमी बोलने में उसकी नकल करता है, चलने में उसकी नकल करता है, किरदार में उसकी नकल करता है, खाने पीने में उसकी नकल करता है, गुफ्तार में उसकी नकल करता है। ये सब कुछ चीजें होती है रसूलुल्लाह मोहब्बत अहले बैत इसलिए हमारे दिलों के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि लोगों तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर दिन मेरी अहले बैत तुम्हारे दीन की हिफाजत करती नजर आ रही है। जब तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो तुम दीन के मुखालिफ नहीं जाओगे बल्कि तुम भी दीन के हिमायती बनो, तुम भी दीन के हामी बनोगे। लेकिन शोमिये किस्मत कि आज अहले बैत की मोहब्बत या रसूलुल्लाह की मोहब्बत या औलिया की मोहब्बत, इसका मफहूम ही लोगों ने बदल दिया। मोहब्बत अहले बैत का मतलब क्या? शरबत, खिचड़ा, न्याज, गर्मा गर्म रावजियों की नकल वाला, रसूमात वाला मुहर्रम। अब तो सुन्नियों वाला मुहर्रम बहुत सारे इलाकों में देखने के लिए आंखें तरस रही हैं और जुल्म और दहशतगर्दी का माहौल लोगों का ये है कि उलमा को बोलने की भी इजाजत नहीं, उलमा को बोलने की भी इजाजत नहीं। जो उलमा बोले, जो उलमा गुफ्तगु करें, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, छोड़ दो। अब हाँ कोई बात नहीं, अब मैं तो बात समेट रहा हूँ, अब बहुत बात तो इख्तिताम की तरफ जा रही है, अब थोड़ी देर सुन ले बस, कोई लंबी नहीं करनी। आप तवज्जो फरमा लें, एक बार दुरूशी पढ़ लें। दुरूद पढ़ने को कहता हूँ तो दुरूशी आवाज भी नहीं आती, पता नहीं क्या मसला है। अरे मेरे भाइयों, एक मर्तबा दुरूद पढ़ना ये जिहाद और हज में शिरकत करने से अफजल है। बेशक बेशक,
एक बार दुरूद पढ़ना हज से ज्यादा सवाब, जिहाद में शिरकत करने से ज्यादा सवाब है। फिर आपसे कहा जाता है दुरूद शरीफ पढ़ो, आप चुप रहते हैं, भाई दुरूद शरीफ तो पढ़ लो अल्लाह के बंदो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा कहते हैं, उलमा पर ऐसा रोब, मुकर्रिरों पर ऐसा रोब, कोई नहीं बोल सकता गलत रस्मों के खिलाफ, और जो बोलेगा उस पर आस्तीनें छिड़ेगी, उसको माँ बहन की गालियां दी जाएगी, उसको खारजी नासबी कहा जाएगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कड़ों को अहले बैत की मोहब्बत का नाम देने वालों, नाड़ों को अहले बैत की मोहब्बत का नाम देने वालों, काले पीले कपड़ों को अहले बैत की मोहब्बत का नाम देने वालों, कलर से मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि किरदार से मोहब्बत का ताल्लुक है, दिलों से मोहब्बत का ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहले बैत की मोहब्बत की दावत दे रहे थे, इसलिए दे रहे थे ताकि ऐ लोगों जिस वक्त लोग गुमराही के दलदल में फंसे, उस वक्त तुम्हें इमाम हुसैन का किरदार याद होना चाहिए कि हुसैन ने किस तरह किरदार से जिंदगी गुजारी, इमाम अली मकाम की जिंदगी क्या थी, इमाम हसन पाक की जिंदगी क्या थी, उनकी जिंदगियां हम भूल गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि करबला के तीन दिन सिर्फ हम इमाम अली मकाम को देख लें और फिर अपने आप को देखें, बहुत तवज्जो के साथ आप सुनना, इमाम अली मकाम को देखें और अपने आप को हम देखें, तो आपको ये बात मालूम करनी पड़ेगी कि हम हुसैनी किरदार पर हैं या यजीदी किरदार पर हैं। बड़ी माजरत के साथ हुसैनी कहलाकर यजीद का किरदार जिंदा करने वाली कौम अगर जमीन की पुश्त ने देखा होगा तो वो 14वीं सदी ने देखा, 14वीं सदी के अंदर देखा। अल्लाह अकबर, जितने पाप जितने जराइम यजीद कर रहा है वो सारे जराइम इस कौम के अंदर मौजूद है जो अपने आप को हुसैनी कह रही है। इमाम हुसैन का कोई किरदार इस कौम के अंदर मौजूद नहीं, वजह इसलिए कि इमाम अली मकाम की जिंदगी पढ़ी नहीं, इमाम अली मकाम की जिंदगी सुनी नहीं, सिर्फ बस जज्बाती नारे, हर जगह जज्बाती नारे, हर जगह जज्बाती नारे। आगे मैं दो बातें पढ़ता हूँ आपके सामने, बुरा मत मानना, मेरी गुफ्तगू आखिरी तक सुनना। देखिए, एक है किरदार यजीद और एक है इमाम हुसैन का किरदार, दो किरदार हमारे सामने हैं। अब हमें यह देखना है, मैं नहीं कहूंगा कि कौन यजीद के किरदार पर है और कौन इमाम हुसैन के किरदार पर है, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा ये यजीद करता था और ये इमाम हुसैन करते थे। अब आपको अपने अंदर डूब कर खुद सोचना है, अपने मन में डूब कर, पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। याद रखना, चिटिंग बाजी करने वालों, अपने आप से धोखेबाजी करने वालों, एक दिन मौत है मौत, जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा, रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा, हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा तो ये जो तुम्हारा हम चिटिंग बाजियां कर रहे हैं मोहब्बत अहले बैत के नाम पर, बेजा रसूमात, गलत रसूमात, रावसियों का कैरेक्टर जिंदा करना और इमाम अली मकाम के किरदार से आंखें बंद कर लेना, मौत के वक्त पछताओगे, लेकिन उस वक्त पछताने से कोई काम नहीं चलने वाला, उस वक्त हाथ मलने से, उस वक्त आंसू बहाने से, उस वक्त तड़पने से, उस वक्त बिलकने से कुछ नहीं होने वाला। आओ मैं दोनों का किरदार पढ़ता हूँ, मेरी पूरी गुफ्तगू का हवाला इब्ने जरीर तबरी की तारीख तबरी होगी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तारीख खुलफा होगी, इब्ने कसीर की अलबिदाया व निहाया होगी, इसी तरीके से आईने कयामत होगी। अल्लाह अकबर, और साथ ही साथ मशहद हुसैन अल्लामा अबू इसहाक, अल्लाह अकबर। अब आगे इन सब किताबों का इतने मजमुआ, अल्लाह अकबर।